हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका टेक्निकल सीखे के एक और नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एमएक्स प्लेयर के लोकल वीडियो प्लेयर की सेटिंग के बारे में। तो हम आ जाते हैं लोकल प्लेयर सेटिंग के ऑप्शन पे। अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ 6-7 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिनमें जो जो ज़रूरी होंगे उनको टिक करना है, अनटिक करना है, इनेबल करना है, यूज़ करना है, वही मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन पे चले जाते हैं, लिस्ट वाले ऑप्शन पे। इसमें क्या है, आपको ढेर सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेनली आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिर्फ 4 ऑप्शन भी इनेबल ही कर रखे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी इनेबल रहते हैं या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो पहला वाला एक तो ऑन कर दीजिए, लास्ट मीडिया इन ईच फोल्डर, ठीक है, इस पर आप टिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपने जो भी अपने वीडियो प्लेयर में पहले वीडियो चला रहे होंगे, अचानक से एग्जिट मार दिया होगा या फिर दोबारा एप्लीकेशन यूज़ करने जाओगे, तो ये वाला वीडियो हमेशा लाइन में रहेगा कि आपने ये वाला प्ले किया था इससे पहले। ठीक है, ये हमेशा लाइन में रहेगा। अगर इसे अनटिक कर देंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि मैं जो पहला वीडियो चला रहा था वो कहाँ मैंने रोका था, कहाँ ख़त्म हुआ था। तो दोबारा से आपको उसी जगह पर फिर से ढूंढ के और आगे फॉरवर्ड करके पहुँचना होगा। लेकिन सिंपली अगर आप ये बटन ऑन करके रखते हो तो आपने पिछला वीडियो जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आप उसको दोबारा से प्ले कर सकते हो। सिंपली आप टैप करो और वो वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसको फॉरवर्ड करके उस जगह तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। अगला ऑप्शन है फ्लोटिंग बटन। इससे क्या होगा कि अगर आप ये वाला ऑप्शन इनेबल करते हो अपने इस प्लेयर में तो क्या होगा कि आपको एक साइड में नीचे की तरफ फ्लोटिंग बटन दिखेगा। तो उससे क्या होगा, मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी देखते देखते आपने एकदम से बंद कर दिए, ठीक है, उसके बाद आपने 2-3 घंटे कुछ काम किया, उसके बाद फिर प्लेयर में आ गए, तो साइड में जो ये बटन मिलेगा ना, सिंपली आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो पिछला वीडियो जहाँ देख रहे थे, जैसे देख रहे थे, आप ऑटो में वहीं पर पहुँच जाओगे, चाहे आप प्लेयर की किसी भी स्क्रीन पे हो। ठीक है, आपको इसमें भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस वीडियो तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो में पहुंच जाओगे, आपको पर्सनली जाकर उस वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये इसमें इस बटन का ये फायदा है। और पुराना वाला ये था कि उसमें आपको उस वीडियो के उस जगह तक पहुंच जाओगे, तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी है, आप थोड़ा सा ध्यान रखने का। नीचे जो दो ऑप्शन आ जाते हैं उनमें क्या है, आपको एक मिल जाता है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो क्या होगा, कोई भी फाइल जो आपने डॉट लगा के किसी भी फाइल के या फोल्डर के नाम के आगे अगर आप डॉट लगा दो तो वो हाइड हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप इस बटन को ऑन कर दोगे, इसको इनेबल कर दोगे ऑप्शन को, तो वो फाइल भी इसमें शो होने लगेंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से उन्हें ढूंढ पाओगे। ऐसा नहीं है एक बार आपने हाइड कर दी फिर आप उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, तो इस बटन की मदद से आप उन्हें ढूंढ पाओगे। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं प्लेयर की सेटिंग पे। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस आप देख रहे होंगे अवेलेबल बहुत सारे, लेकिन मैंने कुछ ही इनेबल कर रखे हैं, तो आप इन्हें ही एक एक करके जल्दी से मैं बता देता हूँ, इन्हें आप ऑन कर दीजिए। पहला एक ऑन कर दीजिए क्विक जूम, इसकी मदद से क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कोई वीडियो देख रहे हो तो आप उसे जूम इन या जूम आउट कर पाएंगे 200% तक, ठीक है, लगभग या उससे ज़्यादा भी। उसके अलावा एक ऑप्शन है प्रीव्यू व्हाइल शेकिंग, इसको भी आप ऑन कर दीजिए। एंड एक ऑप्शन मिलेगा फास्ट शेकिंग, इसको ऑन कर दीजिए। प्ले अलोन, इसको ऑन कर दीजिए। मीडिया बटन, इसको ऑन कर दीजिए। और डबल ट्रिपल प्रेस, इसको आप ऑन कर दीजिए। और स्मार्ट प्रीवियस बटन, इसको भी आप ऑन कर दीजिए। एंड यूज़ कस्टम पिक्चर इन पिक्चर पॉपअप, इसको भी आप ऑन कर दीजिए। बैकग्राउंड प्ले, ये ऑन कर दीजिए। और एल्बम आर्ट, इसको भी आप ऑन कर दीजिए। नीचे आपको 3 बटन मिलेंगे, टर्न ऑफ बटन, बैकलाइट, इसको ऑन कर दीजिए, लोडिंग सर्किल एनिमेशन, ये और सॉफ्टवेयर नेविगेशन बटन्स। अब इनमें सबको एक एक करके बताने में टाइम लगेगा, तो सिंपली मैं आपको ओवरव्यू यू दे देता हूँ।